स्वागत है। मैं निहारिका जैन ले चलती हूँ आपको सीधे मुख्य समाचारों की ओर। आज के मुख्य समाचार, जिला स्तरीय योग स्पोर्ट्स प्रतियोगिता में मारी बाजी। जिला कलेक्टर ने नर्मदा नहर का किया निरीक्षण। SDM ने मरीज हॉल में गाइडलाइंस की पालना के दिए निर्देश। चुनावी रंजिश के बाद उपजे विवाद पर पहुंचे पुलिस अधिकारी। भारतीय जनता पार्टी द्वारा मनाया संविधान दिवस। जागरूकता अभियान के तहत पोस्टर से किया जागरूक। जल आपूर्ति से ग्रामीण परेशान, विभाग मौन। चुनाव को लेकर किया फ्लैग मार्च। नरेगा मैट प्रशिक्षण शिविर हुआ आयोजित। अब समाचार विस्तार से। जिला स्तरीय योग स्पोर्ट्स प्रतियोगिता में मारी बाजी। दीपक गर्ग की रिपोर्ट के अनुसार स्वर्णगिरी स्पोर्ट्स फाउंडेशन के प्रशिक्षक पुष्पेंद्र परमार ने बताया कि जिला स्तरीय योग स्पोर्ट्स प्रतियोगिता में स्वर्णगिरी स्पोर्ट्स फाउंडेशन के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अपने अपने आयु वर्ग में स्वर्ण व रजत पदक प्राप्त कर कब्जा जमाया। इसमें 8 से 10 वर्ष बालक वर्ग में विराट सक्सेना ने स्वर्ण पदक, 12 से 14 वर्ष बालक वर्ग में आयुष गहलोत ने स्वर्ण पदक, 14 से 16 वर्ष बालक वर्ग में निखिल सोनी ने स्वर्ण पदक, 16 से 18 वर्ष बालक वर्ग में चिराग परमार ने स्वर्ण पदक, 18 से 21 वर्ष बालक वर्ग में मानवेंद्र सिंह ने स्वर्ण पदक, 18 से 21 वर्ष बालिका वर्ग में लक्षिता परमार ने स्वर्ण पदक व अनन्या परमार ने रजत पदक, 21 से 25 वर्ष बालिका वर्ग में दिव्या जोशी ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया। इनके पदक प्राप्त करने पर दशरथ चौधरी, संजय सिद्धावत, राजू सोनी, हेमंत राठौर, तरुण सोलंकी, लक्ष्मण गोदारा ने आदि ने खुशी जाहिर की। जिला कलेक्टर ने नर्मदा नहर का किया निरीक्षण। सुरेश गर्ग रोडला की रिपोर्ट के अनुसार जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने बुधवार को जिला के साचौर उपखंड पहुंचकर नर्मदा मुख्य नहर एवं वितरिकाओं का गहनता से निरीक्षण किया। जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता बुधवार प्रातः नर्मदा नहर के जालोर में प्रवेश पॉइंट सीलू पहुंचे तथा वहां से पैदल चलकर मुख्य नहर एवं वितरिकाओं का गहनता से निरीक्षण किया। उन्होंने नर्मदा नहर के अधिकारियों से पानी की आवक के बारे में चर्चा करते हुए आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने नर्मदा नहर के जालोर जिले में प्रवेश पॉइंट सीलू पर नर्मदा नहर के उच्च अधिकारी से गुजरात राज्य से जालोर जिले की नर्मदा नहर में पानी की आपूर्ति एवं वितरण के संबंध में विस्तृत चर्चा की। उन्होंने गुजरात से पानी की आपूर्ति एवं सप्लाई की स्थिति के बारे में अधिकारियों से विस्तृत चर्चा की। SDM ने मरीज हॉल में गाइडलाइंस की पालना के दिए निर्देश। सुरेश गर्ग रोडला की रिपोर्ट के अनुसार जालोर उपखंड अधिकारी चंपालाल जिनगर की अध्यक्षता में बुधवार को पुलिस थाना कोतवाली परिसर में विशेष बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें विवाह सीजन में कोरोना गाइडलाइंस की पालना के संबंध में चर्चा की गई। बैठक में उपखंड अधिकारी चंपालाल जिनगर ने मैरिज हॉल संचालकों को निर्देश दिए कि वे मैरिज हॉल में आयोजित वाली शादियों के संबंध में विवाह आयोजनकर्ता से अनिवार्य रूप से विवाह में 100 से अधिक मेहमानों को आमंत्रित नहीं करने, मास्क लगाने सहित कोरोना एडवाइजरी का पालन करने का शपथ पत्र लेने के निर्देश दिए। साथ ही मैरिज हॉल के प्रवेश द्वार पर नो मास्क नो एंट्री का बैनर लगाकर इसकी सख्ती का पालन करने की बात की। बैठक में पुलिस सहायक निरीक्षक किरण कुमार व नगर परिषद आयुक्त महिपाल सिंह सहित रावना राजपूत, सभा भवन, शांतिनाथ महाराज का अखाड़ा, विजय पैराडाइज, मुस्लिम मुसाफिर खाना, पोरवाल, जैन न्योति नौरा सूरजपुर, जैन न्योति नौरा प्रताप चौक, जैन दादावाड़ी व प्रजापत छात्रावास के संचालक सहित अन्य प्रतिनिधि उपस्थित रहे। चुनावी रंजिश के बाद उपजे विवाद पर पहुंचे पुलिस अधिकारी। सुरेश गर्ग रोडला की रिपोर्ट के अनुसार आहोर पंचायत समिति क्षेत्र के चांदराई गांव में चुनावी रंजिश को लेकर मंगलवार को कांग्रेस व भाजपा समर्थकों के बीच उपजे विवाद के बाद पुलिस थाने में आमने सामने 3 मामले दर्ज हुए। इसके बाद बुधवार को शाम को मामले की जांच कर रहे SC/ST सेल के पुलिस उप अधीक्षक मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों के बयान दर्ज किए। प्रथम चरण के पंचायती राज चुनाव के दूसरे दिन मंगलवार को पंचायत समिति क्षेत्र के चांदराई में चुनावी रंजिश को लेकर कांग्रेस व भाजपा के समर्थकों के बीच विवाद हो गया था। इसको लेकर पंचायत समिति क्षेत्र में पंचायत समिति सदस्य की भाजपा प्रत्याशी शांति देवी के पति मोहनलाल मेवाड़ा के खिलाफ और थाने में 2 रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी, जिसमें बताया कि दोनों ने राजकार्यों में बाधा डालने के साथ जाति सूचक शब्दों में अपमानित किया। इन दोनों पक्षों के बीच पुराने समय में विवाद चल रहा है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, वक्त है एक ब्रेक का। निशान GM मोटर्स शोरूम जालोर का कार की खरीद पर दीपावली पर विशेष ऑफर, एक बार शोरूम पर अवश्य पधारे। क्या है आपका ड्रीम प्लान? आप अपनी गाड़ी, अपने सपनों की गाड़ी को ले सकते हो अपने मात्र 3 लाख रुपए के अंदर, और आओ पधारो और इस दिवाली के अंदर इस गाड़ी को अपने घर ले।
गणपत कछवा एवं शोरूम स्टाफ महेंद्र जी सुंदेशा, सुजाराम गर्ग मदन जयदेव सिंह की ओर से दीपावली के पावन पर्व पर जालौर वासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। गणपत कछवा निशान जी एम मोटर्स, कछवा मोटर्स के पास बिशंगड रोड जालौर राजस्थान। मोबाइल नंबर 7877113792 व 9928125220। दीपावली की शुभकामनाएं, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज धनतेरस का दिन है और इस घड़ी पे हमने जो निशान का जो ब्रांड हमने स्टार्ट किया था वो बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा है और प्रोग्रेस पे चल रहा है। और हम चाहते हैं कि हमसे जो कस्टमर है हमेशा जुड़े रहें और बेहतर काम करें। दीपावली धमाका ऑफर अरम इलेक्ट्रॉनिक्स। टीवी, एलईडी, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, फैन, होम अप्लायंस, सभी तरह के इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम एक ही छत के नीचे। फाइनेंस की सुविधा, एक बार अवश्य पधारे। अमन देवेंद्र मेहता, अरम इलेक्ट्रॉनिक्स, हेड पोस्ट ऑफिस रोड, मानपुरा कॉलोनी, जालौर, राजस्थान। मोबाइल नंबर 9460767711। विमल पॉलीमर्स, क्वालिटी हमारी भरोसा आपका, मजबूत टिकाऊ चले सालों साल। ऑरिन टैंक और पाइप, आपका विश्वास ही हमारी पहचान है। ऑरिन का वादा शुद्धता व मजबूती ज्यादा। ऑरिन ग्रुप विमल पॉलीमर्स जयपुर। कस्टमर केयर नंबर 9772336609 व मोबाइल नंबर 8003532331। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा मनाया संविधान दिवस। सुरेश गर्ग रोडला की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा द्वारा संविधान दिवस पर अंबेडकर सभा स्थल पर बाबा साहेब अंबेडकर की मूर्ति माल्यार्पण कर एवं उनके विचारों को कार्यकर्ताओं को बताकर संविधान दिवस मनाया गया। भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के जिला प्रवक्ता भागीरथ गर्ग ने बताया कि कार्यक्रम अनुसूचित जाति मोर्चा के जिला अध्यक्ष मिश्रीमल मेघवाल की अध्यक्षता, आतिथ्य जालौर विधायक जोगेश्वर गर्ग व विशिष्ट आतिथ्य नगर परिषद सभापति गोविंद टोप, स्थानीय पार्षद दिनेश महावर व दिनेश बारोट के आतिथ्य में संविधान दिवस मनाया गया। इस अवसर पर जिला महामंत्री अनुसूचित जाति भरत भद्रू, अंबेडकर सेवा समिति के उपाध्यक्ष नरपत सोलंकी, नगर महामंत्री अरविंद गर्ग, पिंटू जिंगर सहित भाजपा कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी मौजूद थे। जागरूकता अभियान के तहत पोस्टर से किया जागरूक। सुरेश गर्ग रोडला की रिपोर्ट के अनुसार कोरोना महामारी के संक्रमण से बचाव एवं जागरूकता के लिए राज्य भर में चलाए जा रहे विशेष जागरूकता अभियान के तहत जिले में जिला प्रशासन एवं सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा शहर भर में कोरोना जागरूकता पोस्टर व स्टिकर चस्पा करने के साथ ही फ्लैग्स बनाकर लगाकर आम जन को जागरूक किया जा रहा है। राज्य भर में चलाए जा रहे वाले विशेष जागरूकता अभियान द्वितीय के तहत सूचना एवं जनसंपर्क विभाग जयपुर से प्राप्त प्रचार सामग्री जालौर शहर में वितरण व चस्पा करने के साथ ही जिले भर में उपखंड अधिकारी और नगरीय निकाय एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से पहुंचाने का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है, जहां से इसे आमजन से जागरूकता के लिए वितरण एवं चस्पा करवाया जाएगा। जल आपूर्ति से ग्रामीण परेशान, विभाग मौन। भरत चौधरी की रिपोर्ट के अनुसार जल विभाग की उदासीनता के चलते बेरा जाखड़ा के ग्रामीण परेशान। उमेरपार के निकटवर्ती बेरा जाखड़ा गांव में कई दिनों से पेयजल आपूर्ति ठप होने से लोगों को पानी की समस्या से रूबरू होना पड़ रहा है। जलदाय विभाग की लापरवाही के चलते पानी की सप्लाई एक महीने से बंद पड़ी है। इसी GLR से कस्बे में पानी की आपूर्ति की जाती है, लेकिन विभाग की उदासीनता के कारण ग्रामीणों को पानी नहीं मिल रहा है। पेयजल सप्लाई नहीं होने से कस्बे वासी पानी के लिए भटक रहे हैं। चुनाव को लेकर किया फ्लैग मार्च। राजू सिंह राव की रिपोर्ट के अनुसार राम सिंह निकटवर्ती मोदरन धानसा, सेना भरूड़ी व कोटकास्ता में चुनाव को लेकर फ्लैग मार्च किया गया। पुलिस अधीक्षक जिला जालौर श्याम सिंह के निर्देश अनुसार राम सिंह थानाधिकारी गिरधर सिंह भाटी नेतृत्व में हेड कांस्टेबल पुनाराम मय जबता आगामी होने वाले जिला परिषद समिति सदस्य पंचायती राज
द्वितीय चरण में चुनाव 2020 के मद्देनजर रखते हुए चुनाव को लेकर फ्लैग मार्च किया। इस दौरान क्षेत्र में कानून एवं शांति बनाए रखने की अपील की गई। वहीं इस चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न करवाने के क्षेत्र में गश्त जारी है। नरेगा मैट प्रशिक्षण शिविर हुआ आयोजित। राजू सिंह राव की रिपोर्ट के अनुसार महिला नरेगा मैट प्रशिक्षण शिविर आयोजित हुआ। पंचायत समिति जसवंतपुरा क्षेत्र के राम सिंह राजीव गांधी में महिला नरेगा प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। शिविर प्रभारी श्यामलाल सिंह, कनिष्ठ तकनीकी सहायक एवं श्रवण कुमार ठाकुर, लेखा सहायक ने नरेगा के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए प्रशिक्षण दिया गया। शिविर में कुल 64 महिलाओं ने भाग लिया। शिविर में मुकेश काबावल, भरत सिंह, कनिष्ठ लिपिक, शैतान सिंह, नटवरलाल, हिम्मत प्रजापत सहित कई लोग मौजूद थे। और अंत में मौसम विज्ञान की जानकारी के अनुसार आज जालोर शहर का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस एवं न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जन समय की खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय भारत, जय जालोर।